बात करेंगे, हमारे हजरत जी हैं वो पूरा आपको बताएंगे और आप भी गौर से सुने, क्योंकि दुनिया के लिए क्या हर आदमी के लिए जो अच्छी चीज़ होती है सुनने वाली वो सुननी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। आपका नाम? मैं मौलाना सूफ़ी मोहम्मद अशफाक नूरी जी नईमी लियाकती हसनी अजीज़ी हूँ। और आज की ये जो आपने मालूमात करी मुझसे कि ये माह मुहर्रम शरीफ के अंदर जो ज़िक्र खैर और फातिहा खानी होती है, तो मैं उसमें ये कहना चाहूँगा कि फातिहा खानी खूब करना चाहिए। और ये माह मुबारक नए साल है, अब ये भी जो माह गुज़रा ज़िलहिज की वो इस्लामी साल का आखिरी साल होता है। दरअसल बात यहाँ पर ये है कि इस माह मुबारक में हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो नवासे रसूल हैं सैयद अम्बिया अहमद मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, फ़ातिमतु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहज़ादे हैं, हज़रत अली के बेटे, तो आप याद रख लीजिए कि उनकी शहादत के मौजू पर आज जो गुफ्तगू आप अपने चैनल के माध्यम से कर रहे हैं रफ्तार न्यूज़ से, मैं उन लोगों का, आपकी टीम का पूरा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने आपने मुझसे ये बात पूछी और काफ़ी देर से गुफ्तगू हो रही थी वो उसी पर, बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। तो माज़ल्लाह वो लोग तो गुमराह और बददीन हैं, उन्होंने समझा ही नहीं किसके लिए कह रहे हैं, किसकी फातह को रोक रहे हैं, किसके लिए यानी कि मना कर रहे हैं। वो इमाम वो हैं जो नवासे रसूल हैं, वो इमाम वो हैं जो यानी कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, जिनका तुम कलमा पढ़ते हो, जिनके कलमे के बगैर ना यानी कि ना मोमिन हो सकते। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब कहा था कि कुरान का पढ़ लेना तो आसान है लेकिन पर उसका समझ लेना कोई आसान नहीं है, और सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। याद रख लीजिए कितना भी कलमा पढ़े, यजीद क्या था, यजीद कलमा तो पढ़ता था लेकिन कलमे के साथ साथ नमाज भी पढ़ता था, रोज़े भी रखता था, ज़कात भी देता था, लेकिन अहले बैत को नहीं मानता था, अहले बैत के ऊपर गलत नज़रें डालता था। आप याद रखिए अहले बैत की मोहब्बत नहीं थी उसके अंदर। इमाम अली मकाम के लिए जबकि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये मेरे दिल का यानी कि मेरे जान है और ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। इमाम अली मकाम के लिए फरमाते हैं मेरे जिगर का टुकड़ा, कौन? अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को वो शख्स यानी कि नेस्त नाबूद करने के लिए फिर रहा है जिसका नाम यजीद पलीद है, जिसको मैं बदकार कहूँ, बददीन कहूँ, शराबी कहूँ, जानी कहूँ, ज्वारी कहूँ, शराबी कहूँ, कम नहीं होगा। लेकिन ये कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो इमाम आज़म की इमाम यानी कि आली मकाम की पाकीज़गी के कायल हैं। इमाम आली मकाम क्या थे? अल्हम्दुलिल्लाह उनका घर पाक, उनका तन पाक, उनका शहर पाक, उनका तमाम चीज़ें यानी कि उनका ख़ानदान पाक। अब हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम पाक और ताहिर हैं और फ़ातिमतु ज़हरा पाक और ताहिर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो उनकी पाकी में कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। लेकिन यजीद पलीद को अगर कोई पलीद कहता है तो मैं उससे रोक नहीं सकता, अगर कोई बुरा कहता है तो कोई भी नहीं रोक सकता, भले से यहाँ पर हिंदू हो, मुसलमान हो, जैनी हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, अगर उससे इमाम के बारे में पूछा जाए, इमाम अली मकाम के बारे में पूछा जाए तो वो कहेगा इमाम अली मकाम हक पर थे और यजीद जो था ना हक पर था। क्योंकि आज का दौर ऐसा चल रहा है मेरे दोस्तों, और मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, कौम को ये इसलाह करना चाहता हूँ कि कौम जाग जाओ। अब भी इमाम ने जो अखलाक अपना पेश किया करबला के अंदर वो किसी ने पेश नहीं किया। करबला में ज़रूर थे छोटे बच्चे, ज़रूर थे हज़रत 6 माह का अली असगर जिसके हलकून पर तीर मारा गया,
जिसके हलक पर तील लगा हो और 6 माह के बच्चे को जामे शहादत नोश करना पड़ा हो, आप बताइए इमाम ने कैसा सब्र किया? ना ही आंसू निकाला, ना ही किसी को रोने दिया, बल्कि ये कहा, इन्नल्लाह माअस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ऐ लोगों, तुम लोग रोना नहीं, हमारा काम ये रोने का नहीं है, हमारा काम जो है सब्र करने का है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सब्र की तलकीन थी। आज हम क्या हैं कि थोड़ी देर में इंसान को इंसान नहीं समझते, हम दूसरों को यानी कि मारना, पीटना, यानी कि बज़न करना, लोगों को बुरा समझना, ये हमारा शियार नहीं है। हमारा शियार तो वो है कि दूसरों की तज़ीम करें, दूसरों की तौकीर करें, दूसरों की अज़मत करने वाले बन जाएं, दूसरों तक अखलाक अपना पेश करें। हमारा अखलाक ये नहीं है कि हम दूसरों पर छींटाकशी करें, दूसरों को बुरा कहने वाले बन जाएं। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, इमाम आली मकाम और उनके नाना जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, हम सब के आका मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त लोगों को बताया, ऐ लोगों, मेरा अखलाक क्या है? मेरा अखलाक कुरान है, मेरा चलना कुरान है, मेरा बैठना कुरान है। तो इससे पता लगा नबी कौनैन का जो अखलाक किरदार है वो आज हम नहीं अपना पा रहे हैं, आज हम उनकी रविश पर नहीं चल पा रहे हैं। नमाज तो फॉलो कर ही नहीं पाते, नमाज में कभी मगरिब हमारी गोल हो जाती तो कभी हमारी इशा ख़त्म हो जाती, कभी हमारी असर ख़त्म हो जाती तो कभी हमारी यानी कि फजर ख़त्म हो जाती। मेरे दोस्तों, नमाज सबसे बड़ी चीज़ है। नमाज क्या सिखाई? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे करबला के अंदर भी हैं, लेकिन करबला के अंदर होने के बावजूद भी नमाज को नहीं छोड़ रहे, नमाज की तलकीन कर रहे हैं। हमें नज़्र, नियाज, फातिहा, कुरान खानी तमाम चीज़ें करनी चाहिए और उसके साथ साथ नमाज को कायम करना चाहिए। ये इमाम हुसैन को सुकून पहुंचाने वाली चीज़ें हैं, इमाम हुसैन को तकवियत पहुंचाने वाली चीज़ें हैं। ये इमाम हुसैन का रास्ता है जो आप करने जा रहे हैं। आपने अगर कोई चीज़ ऐसी की जिससे इमाम हुसैन को तकलीफ़ हो, वो तकलीफ़ देने वाली चीज़ तो ये होगी कि इमाम हुसैन के ऊपर जो लोग उंगलियाँ उठा रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं, मेरे पास में एक वीडियो आई, एक क्लिप आई, उसमें कहा कि वो तो मरकर मिट्टी में मिल गए, माज़ल्लाह, सुम्मा माज़ल्लाह, वो आदमी जो है वो क्या है क्या नहीं है मैं उसको नहीं जानता। लेकिन उस आदमी ने सोचा नहीं इमाम हुसैन, काश उसने इमाम हुसैन को पढ़ा होता और इमाम हुसैन की सीरत को पढ़ा होता तो कभी भी इमाम हुसैन या इमाम हसन के बारे में कभी यानी कि लबकुशाई ना करता। मैं उससे अर्ज़ करता हूँ कि मेरे भाई, कभी भी ऐसा मत बोल कि जिसके हमारे दिलों को तकलीफ़ पहुँचे। आप लोग याद रखिए, आज का माह मुबारक का माह मुहर्रम शरीफ है। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल हो गए हमें यहाँ छठी शरीफ करते हुए, और छठी शरीफ हम करते आ रहे हैं। जब भी माह मुहर्रम शरीफ आता है तो मेरे यहाँ हलीम वगैरह क्या यानी कि लंगर होता है, उसमें हर तबके का आदमी आता है, हर तबके का ख्याल रखा जाता है। हम ये नहीं कहते कौन कौन आता है, हमारे यहाँ हर तबके का आदमी आता है और ये खानखाएँ इसीलिए होती हैं कि इसलाह हो जाए हमारी। आज हमारे पास में कुछ मेहमान भी वगैरह आए हुए, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि जितनी भी लोग हैं यहाँ पर और जितने लोग यहाँ पर रहते हैं देश में, मैं उनसे अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि इमाम हुसैन की रविश पे चलें। आज मुल्क में अफरा तफरी मची हुई है, मुल्क में, देश में अफरा तफरी मची हुई है। इस देश पर हमें सुकून पैदा करना है, इमाम हुसैन जैसा सब्र पैदा करना है। अगर हम सब्र वाले बन जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारी यहाँ पर भी कामयाबी होगी और वहाँ पर भी कामयाबी होगी। हम किसी सूबे का नाम ना लेकर, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हमें अपने मुल्क के लिए, मुल्क के अमन व अमान के लिए दुआएं करना चाहिए, और यहाँ पर जैसे और लोग रहते हैं वैसे ही हमें भी रहने का राइट है। और हमारा रहने का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुज़ुर्गों ने सिखाया, हमारे बुज़ुर्गों ने यहाँ कुर्बानियाँ दी हैं और वही कुर्बानियाँ हमें देखना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए और इमाम हुसैन के सही रास्ते पर चलने वाला बना दे। इमाम हुसैन ने देखिए, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं एक छोटी सी बात और बताता हुआ फिर उससे रुख्सत हो रहा हूँ। इमाम अली मकाम जब यजीद से यजीद के लश्कर से बात कर रहे हैं, 22,000 हैं और इधर 72 लोग हैं सिर्फ, वो 72 लोग छोटे से, उसमें बच्चे भी हैं, जवान भी हैं और बूढ़े भी हैं। कुछ ऐसे लोग थे जो तलवारी नहीं चलाना जानते थे,
और उनकी तरफ जो थे सिपा सलार लोग थे, जो तलवारों के माहिर थे, जो तलवारें चलाना खूब जानते थे। लेकिन इमाम अली मकाम ने एक खिताब दिया, उसमें खिताब ये दिया कि मुझे पहचानो मैं कौन हूँ, मैं अल्लाह के रसूल का नवासा हूँ। जब इतनी बात कही तो हज़रत, मैं बहुत मुख्तसर सी बात लेकर चल रहा हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा सुनने के बाद में सब जान गए थे कि ये वो हैं जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, ये वो हैं जिनके ऊपर कुरान उतरा है, ये वो हैं जिनके यानी कि नाना के ऊपर कुरान उतरा, जिनके ऊपर यानी वही आती थी, जिनके ऊपर मौजज़ात आए, यानी कि इनके नाना के ऊपर। आप अंदाज़ा लगाइए ये तमाम बातें इमाम हुसैन अली मकाम देख के और सबको समझा रहे थे। उसी में से उनके अखलाक को देखने के बाद में, उनकी सीरत को देखने के बाद में, उनकी मोहब्बत को देखने के बाद में हज़रत हुर निकल कर उस खेमे से, यजीदी खेमे से निकल कर इमाम हुसैन खेमे की तरफ